ब्रिक्स सम्मेलन से दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पालम एयरपोर्ट पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मोदी ने कहा विज्ञान में ग्लोबल लीडर बनेगा भारत। चंद्रयान 3 के चैंपियन से मिलने सीधे बेंगलुरु पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। हुआ जोरदार स्वागत, बोले जय विज्ञान जय अनुसंधान। चांद पर ऐतिहासिक कामयाबी के बाद इसरो कमांड सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाकर बढ़ाया हौसला, कहा आपके परिश्रम को सल्यूट। एस सोमनाथ को गले लगाकर भावुक हुए नरेंद्र मोदी। चंद्रयान 3 के लैंडिंग फ्लाइट का नाम शिव शक्ति रखने का मचा बवाल। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने जताई आपत्ति। बीजेपी का मिशन राजस्थान, गंगापुर सिटी में किसान सम्मान कार्यक्रम। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा 75 साल पुरानी मांग पूरी, पहली बार बनाया सहकारिता मंत्रालय। एलपीजी वितरकों के साथ सीएम गहलोत का संवाद, कहा गरीब लोगों को दी राहत, वितरकों ने सीएम का जताया आभार। 27 अगस्त को राजस्थान दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, झुंझुनू में रानी सती मंदिर और लोहागढ़ धाम में करेंगे पूजा अर्चना, तैयारियों में जुटा प्रशासन। सीएम गहलोत का 2 दिन का जोधपुर दौरा, 27 अगस्त को मुख्यमंत्री पहुंचेंगे जोधपुर। राजस्थान प्रीमियर लीग शुभारंभ कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 28 अगस्त को मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के ऑडिटोरियम का करेंगे लोकार्पण। पुलिस विभाग में फेरबदल, 26 उप पुलिस अधीक्षक के हुए तबादले, डीजीपी उमेश मिश्रा ने जारी किया आदेश। सिरोही दौरे पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन। भाया जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ली बैठक, विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से बंद कमरे में की बैठक। प्रतापगढ़ दौरे पर रहे प्रभारी प्रहलाद जोशी, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से की चर्चा, परिवर्तन यात्रा और आगामी चुनाव को लेकर की चर्चा, कहा भाजपा पूर्ण बहुमत से बनाएगी अपनी सरकार। 2022 में हेल्थ सेक्टर में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान को मिला प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एसीए शुभ्रा सिंह ने दी बधाई। स्कॉच ग्रुप द्वारा बेसलाइन सर्वे में प्राप्त रिकॉर्ड्स के आधार पर मिला अवार्ड। एसडीआरएफ कमांडेंट अवनीश कुमार शर्मा के निर्देश पर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जैसलमेर बाबा रामदेव मेले के दौरान राम सरोवर तालाब में डूबे युवक को बचाया, 22 साल संजय को जीवित निकाला बाहर। मथुरा के एमएलसी विधायक ओम प्रकाश सिंह लगाया गया बाड़ी विधानसभा का प्रभारी। कार्यकर्ताओं और प्रभारियों से कर रहे हैं मुलाकात, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का ले रहे हैं जायजा। जयपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा टीम ने की कार्रवाई। दूषित और मिलावटी 660 किलो कलाकंद किया बरामद, शेष बचे 658 किलो कलाकंद को मौके पर गड्ढा खुदवाकर किया नष्ट। श्री माधोपुर में बस्ता मुक्त दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित, नांगलंका राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय किया गया आयोजन, गुड टच बैड टच की दी जानकारी। श्री माधोपुर में पोस्ट कार्ड अभियान की हुई शुरुआत, जिला बनाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में हुई शुरुआत। कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से भरवाएंगे पोस्ट कार्ड, 50,000 पोस्ट कार्ड भरकर मुख्यमंत्री को भेजे। जयपुर में तुलसी जयंती महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित, रामचरितमानस पर संगीत कार्यक्रम हुआ आयोजित। पिंक सिटी प्रेस क्लब सभागार में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सिरोही के रेवदर में हमलावरों ने 2 साध्वियों पर किया प्राण घातक हमला। 6 से 7 हमलावरों ने लोहे के सरिये से हमला कर नकदी और दस्तावेज लेकर हुए फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के गेट पर प्रदेश व्यापी धरना। 40 में दिन भी रहा जारी तो 11 सूत्र मांगों को जल्द कार्रवाई करने की अपील की। प्रदेश प्रवक्ता अनिश सैनी ने दी जानकारी। श्रीगंगानगर के पदमपुर में किसानों के समर्थन में उतरे पोस्टाइड यूनियन के सदस्य। बीजियाला की पेस्टिसाइड यूनियन के किसानों के समर्थन में की दुकानें बंद, सिंचाई पानी की मांग कर रहे किसानों के आंदोलन को दिया समर्थन। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी नव मतदाता संगम के पोस्टर का हुआ विमोचन, दुर्ग स्थित जौहर स्थल पर हुआ विमोचन। नव मतदाता संगम के दौरान बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर करेंगे शिरकत। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर खुशियां मनाना पड़ा भारी। इंजीनियरिंग कर रहे छात्र पर कश्मीरी छात्रों ने हथियारों से किया हमला। गंगरार में मेवाड़ यूनिवर्सिटी का मामला, अस्पताल में छात्र का इलाज जारी।
हनुमानगढ़ में बुजुर्ग ने टाली के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर किया सुसाइड। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को किया सुपुर्द। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अव्यवस्था देख विधायक ने जताई नाराजगी, दिए कार्रवाई के आदेश। अजमेर में ऑनलाइन ठगी की वारदातों में लगातार इजाफा। 85 वर्षीय महिला के साथ 15 लाख रुपए की ठगी का मामला आया सामने। साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। बारा में आईजी ने पुलिस लाइन का किया निरीक्षण। विभिन्न हादसों के डेमोन्स्ट्रेशन की भी करी जांच। पुलिस के प्रति विश्वास कायम रखने के दिए निर्देश। करौली में सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फायरिंग कर हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। करौली में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन गरिमा। महिला अपराध में कमी लाने और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गुड टच और बैड टच की दी जानकारी। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में ट्रक ड्राइवर के जिंदा चलने का मामला है सामने। साथी ड्राइवर ने हत्या कर सबूत मिटाने के लिए लगाई आग। हत्या के आरोपी पवन को पुलिस ने हिरासत में लेकर किया गिरफ्तार। जोधपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बालेसर नगर पालिका चेयरमैन 65,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। पट्टा जारी करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। चित्तौड़गढ़ में सूफी संत हजरत दीवाना शाह का 82वां सालाना उर्स। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान ने की शिरकत। देश और प्रदेश के लिए मांगी अमन चैन की दुआ। चित्तौड़गढ़ के कपासन की दरगाह उर्स में आए जायरीनों के बीच हुआ विवाद। एक युवक ने दूसरे पर किया चाकू से हमला। युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। झुंझुनू के नवलगढ़ में बदराना जोहर के पास हुआ सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से जा टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर में लापता युवक का शत विक्षत हालत में मिला शव। शव के कुछ हिस्सों को श्वानों ने नोच खाया। 10 से 12 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। पुलिस ने दी मामले की जानकारी। कोटा के टावा में निर्माणाधीन स्वागत द्वार से लगातार हो रही दुर्घटनाएं। बम पिलर से टकराने से युवती की हुई मौत। लोगों में आक्रोश व्याप्त। ग्रामीणों ने कलेक्टर से की स्वागत द्वार के बीच के पिलर को हटवाने की मांग। जैसलमेर के दुर्लभ प्रजाति की रोही बिल्ली का बढ़ा कुनबा। रोही बिल्ली की संख्या पहले 8, अब आए 2 नए मेहमान। रोही बिल्ली को डेजर्ट कैंट और मरुस्थल की शेरनी भी कहा जाता है। सुमेरपुर में विपर्जॉय तूफान बना वरदान। खेतों में लहला रही फसलें। अच्छी फसल होने की आस में किसानों के चेहरों पर दिखी रौनक। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में स्कूल शिक्षा परिवार ब्लॉक की बैठक हुई आयोजित। नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष मोरध्वज सिंह चौधरी ने की शिरकत। साफा बांधकर और माल्यार्पण कर किया अध्यक्ष का स्वागत। खाजूवाला छतरगढ़ जन आंदोलन आज 20वें दिन भी जारी। छतरगढ़ में बैठे 3 लोगों को तहसीलदार ने तुड़वाया अनशन। खाजूवाला में भूख हड़ताल लगातार जारी। अजमेर में मेडिकल स्टोर को चोरों ने बनाया अपना निशाना। शटर का ताला तोड़कर चुराई 1.25 लाख की नकदी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अजमेर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। गुजरात ले जा रहे 15 बियर के कार्टन और 5 शराब के कार्टन किए बरामद। 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। धौलपुर के मां राजराजेश्वरी कैला माता मंदिर पर सावन मास शुक्ल पक्ष नवमी को हुआ महाआरती का आयोजन। महिलाओं ने 108 दीपक सजी थालियां से की माता रानी की पूजा और अर्चना। नृत्य कर राजराजेश्वरी के लगाए जयकारे। धौलपुर के बाड़ी में पैंथर के हमले से 16 भेड़ और 18 बकरियों की हुई मौत। पैंथर के हमले से ग्रामीण में डर का माहौल। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सिरहोई के पिंडवाड़ा रोहिड़ा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 5 बाइकें भी की बरामद। हनुमानगढ़ जंक्शन बाजार में टला बड़ा हादसा। गली में आया ट्रक ट्रांसफॉर्मर से भिड़ा। ट्रक में भीषण आग लगी। दुकानदारों ने प्रयास कर आग पर पाया काबू। नेहरू स्कूल के पास की है पूरी घटना। दौसा में हुआ गुड टच एंड बैड टच कार्यक्रम का आयोजन। 1476 स्कूलों में एक साथ हुआ कार्यक्रम आयोजित। छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। गंगापुर सिटी पहुंचे नेपाल। हादसे में मृतकों के शव महुकला में अंतिम संस्कार। हादसे में राजस्थान के 6 लोगों की हुई थी मौत।
चाकसू में सड़क किनारे पड़ा मिला युवक का शव। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। सूचना पर डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। जालौर के भीनमाल में आवारा सांड का आतंक, एक बुजुर्ग पर किया हमला। हमले में बुजुर्ग की हुई मौत। भरतपुर के कामा में मरीज को इमरजेंसी में दिखाने को लेकर हुआ हंगामा। प्राइवेट अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़ और मारपीट, संचालक ने कराई रिपोर्ट दर्ज। डूंगरपुर में लगातार दूसरी बार चोरों ने मंदिर को बनाया अपना निशाना। चंद्रमोलेश्वर महादेव मंदिर में हुई चोरी की वारदात। चोर मंदिर में दान पेटी लेकर हुए फरार। पुलिस ने मौका मुआयना कर शुरू की जांच। सिरोही में चोरों ने एक बार फिर पुलिस को दिया चकमा। कोतवाली थाने से 200 मीटर की दूरी पर वारदात को दिया अंजाम। दो दुकानों के ताले तोड़कर किया हादसा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में आपस में भिड़े छात्र। कश्मीरी और स्थानीय विद्यार्थियों में हुआ पथराव और चाकूबाजी। मैस में भोजन के दौरान हुआ था विवाद। बॉर्डर पर तैनात जवानों की कलाई नहीं रहेगी सूनी। सेना के जवानों के लिए चौमू से महिलाओं ने भेजी राखियां। सेना के श्रीनगर स्थित मुख्यालय में भेजी गई 1200 राखियां। लालसोट में दिव्यांगजनों को किए गए निःशुल्क उपकरण वितरित। पंचायत समिति सभागार में सामाजिक अधिकारिता विभाग के अंतर्गत किया गया वितरण कार्य। मुख्य अतिथि सांसद जसकौर मीणा ने कहा भारत सरकार दिव्यांगजनों की हर संभव सहायता के लिए है प्रयासशील। नीमका थाना के बुदौली में कल आयोजित होगा जन आशीर्वाद समारोह। कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने लिया जायजा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र सड़क परिवहन एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह रहेंगे मौजूद। जैसलमेर में पौधारोपण से हुआ पुष्प कर्णा दिवस। 2023 के कार्यक्रमों का आगाज 26 से 28 अगस्त तक होंगी कई प्रतियोगिताएं। 29 अगस्त को मनाया जाएगा पुष्प कर्णा दिवस। अलवर के शाहबाद में खेत में दवा के छिड़काव के दौरान जहरीली दवाई युवक के मुंह में गई। अचेत हालत में करवाया अस्पताल में भर्ती। इलाज के दौरान व्यक्ति ने तोड़ा दम। सिरोही के आबू रोड में नाबालिग से गैंगरेप करने का मामला है सामने। आरोपी ने शादी का झांसा देकर वारदात को दिया अंजाम। आरोपी के दोस्तों ने भी किया गैंगरेप। पुलिस ने शुरू की मामला जांच। जयपुर के चाकसू पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। बीजेपी नेता राम अवतार बैरवा ने किया स्वागत। आगामी चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने का दिया संदेश। अलवर में छात्रा ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। भाई के साथ किराए के मकान में रहकर एग्जाम की तैयारी कर रही थी छात्रा। पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव। अरावली बिहार थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। झालावाड़ के मिनी सचिवालय के पास झाड़ियों में अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। पुलिस जुटी मामले की जांच में। डीग के कामों में पानी निकासी को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। कई लोग हुए घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। वेस्ट बंगाल से मिट्टी बचाने का संदेश लेकर निकाली साइकिल यात्रा पहुंची अलवर। पर्यावरण प्रेमियों ने दंपति का किया स्वागत। डिस्ट्रिक्ट जज ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उदयपुर के रेलवे स्टेशन पर लापता व्यापारी का मिला शव। महिला सिंगर पर लगाया था हनी ट्रैप का आरोप। मामले में व्यापारियों ने सवीना थाना पहुंचकर किया प्रदर्शन। पुलिस पर कार्रवाई की न करने का लगाया आरोप। झालावाड़ में सरकारी चारागृह और वन भूमि पर अतिक्रमण का मामला है सामने। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाकर किया प्रदर्शन। रोड पर लगाया जाम। डिडवाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेन स्नैचिंग मामले में एक महिला को किया गिरफ्तार। महिला के कब्जे में तोड़ी गई चेन भी की बरामद। डीग के कामा में निजी विद्यालय के छात्रों में मारपीट। झगड़े के दौरान एक छात्र हुआ लहूलुहान। डीएनए सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है पूरा मामला। कोटपुतली में व्यापारी पर हमले का मामला आया सामने। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दूसरे दिन भी धरना लगातार जारी। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। भीलवाड़ा के बड़लियास में बिजली सप्लाई में कमी से परेशान ग्रामीणों ने सवाईपुर विद्युत ग्रिड में सौंपा ज्ञापन। जल्द समस्या समाधान की मांग उठाई। भरतपुर के रूपबास में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार दो लोगों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। गैनोली मोड़ की है पूरी घटना।
उदयपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। मंत्री मुरारीलाल मीणा और भजनलाल जाटव के सामने दो गुटों में हुई जमकर धक्का मुक्की। दिनेश श्रीमाली और राजीव सुहालका के समर्थकों के बीच हुई धक्का। जयपुर के चौमू में मोबाइल वितरण केंद्र पर व्यवस्थाओं का आलम। मोबाइल वितरण केंद्र पर लोगों की उमड़ी भीड़, मौके पर भगदड़ के बने हालात। मकराना में 10 साल पुराने मर्डर केस में एडीजे कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। दोषी को सुनाया आजीवन कारावास, 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। बारा में भाजपा पार्षदों ने अव्यवस्थाओं को लेकर नगर परिषद कार्यालय पर किया प्रदर्शन। आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। अलवर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने रोड जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। वाहन चालकों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दिया आश्वासन। बाड़मेर के मनोकामना पूर्ण महादेव मंदिर को चोरों ने बनाया अपना निशाना। 3 लाख रुपए की नकदी लेकर हुए फरार। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर शुरू की चोरों की तलाश। डीक के कामा में 3,808 गैंग का आतंक। दिन दहाड़े दुकान में घुसकर दुकान मालिक पर लाठी डंडों से किया जानलेवा हमला। नंद पेट्रोल पंप के पास की है पूरी घटना। झालावाड़ के भवानी मंडी में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ की कार्रवाई। 2 किलो गांजे के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी से शुरू की पूछताछ। राजसमंद के सर्किट हाउस पहुंचे प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना। 8 ब्लॉक स्तरीय दावेदारों से की मुलाकात। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए किया था आवेदन। बालोतरा में रॉयल्टी ठेकेदार की गाड़ी से बाइक सवार की मौत का मामला आया सामने। परिजन और समाज के लोगों ने सिवाना अस्पताल के बाहर दिया धरना। आरोपियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। कोटपुतली के बांसूर में यमुना के पानी को लेकर पोस्टर का किया गया विमोचन। 18 ग्राम पंचायत में पानी की किल्लत होने से लोग पलायन को मजबूर। सैनिक कल्याण बोर्ड सदस्य केजी कौशिक ने किया विमोचन। बीकानेर जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के टिकट के दावेदारों से आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने कहा कांग्रेस को जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार चाहिए। भीलवाड़ा में बिजली का मीटर लगाने के लिए मांगी घूस। सिक्योर कंपनी का लाइनमैन गिरफ्तार। 2,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा। पाली के बाली में पीडब्ल्यूडी ठेकेदार के श्रमिकों ने सड़क का कार्य करते वक्त फोड़ी मेन पाइपलाइन। हजारों लीटर पानी हुआ व्यर्थ। सादड़ी पालिका क्षेत्र में कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति हुई बाधित। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वारदात करने की फिराक में था घूम रहे बदमाश को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध कट्टा और एक कारतूस भी किया जब्त। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में एसडीएम कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता का दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। सिंचाई पानी की मांग को लेकर दे रहे धरना। पूर्व विधायक लालचंद मेघवाल भी रहे साथ। बांसवाड़ा में ऑटो और बाइक की हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में एक युवक की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया शव। घायलों का इलाज फिलहाल जारी। जैसलमेर में लोगों ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर दिया धरना। आशियानों के पट्टे नहीं मिलने पर जताया आक्रोश। बोले सर्वे के बाद भी 500 परिवारों को नहीं मिले पट्टे। टोंक में ग्रामीण ने जल जीवन मिशन की अनियमितता होने को लेकर किया विरोध। 2500 रुपए देने के बाद भी कनेक्शन नहीं मिलने से जताई नाराजगी। विधायक हरीश मीणा के खिलाफ की नारेबाजी। कोटा में बरडा और पेशर बस्ती की महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर रोड किया जाम। पानी की मांग को लेकर जताया आक्रोश। 1 घंटे तक चालकों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। चाकसू में अर्धनग्न स्थिति में युवक का शव मिलने का मामला आया सामने। मृतक की गणेश जाट निवासी निमोरिया गांव के रूप में हुई शिनाख्त। मृतक के शरीर पर चोट के निशान। अलवर की खिलाड़ी सरिता शर्मा जीते मेडल। कनाडा से हुई पुलिस फायर एंड गेम्स की प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 प्रतियोगिताओं में जीते मेडल। कुश्ती संघ की ओर से किया गया सम्मान। अजमेर के पिसांगन में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान के तहत कार्यक्रम। बालक बालिकाओं को 4 सेशन में दिया ज्ञान। लघु फिल्म बैनर पोस्टर आदि से किया गया जागरूक। डीडवाना में कलेक्टर सीताराम जट पहुंचे। बांगड़ जिला अस्पताल विभागों और वार्ड्स का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मरीजों से ली जानी अस्पताल की जानकारी। एक दिवसीय लक्ष्मणगढ़ दौरे पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा विकास कार्यों की नहीं छोड़ी कोई भी कमी। बालोतरा के समदड़ी में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा समदड़ी पर ध्यान का आकर्षण धरना। ग्राम विकास अधिकारियों के कैंडल स्टेशन सहित महत्वपूर्ण मांगों पर हुए समझौते लागू करने की उठाई मांग। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। कोटा में देहात कांग्रेस की बैठक में हंगामा। टिकट के दावेदारों ने किया हंगामा। उम्मीदवारों के समर्थन में लगाए नारे। पुलिस ने मामले को कराया शांत। मंत्री मेघवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना।
कोटा में रानपुर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बदमाशों को हथियार सहित किया गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ पहले से 14 मामले दर्ज। हनुमानगढ़ में अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ी मुख्यमंत्री, स्मार्टफोन योजना नगर परिषद कार्यालय टाउन में लगी रही महिलाओं की भारी भीड़। महिलाओं के बीच हुई धक्का मुक्की, करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। जयपुर में अपहरण मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डीसीपी साउथ योगेश गोयल की मॉनिटरिंग पर धरे गए अपहरणकर्ता। घटना में लूटी डिजायर कार की बरामद। उत्तर प्रदेश के युवक ने कोटा के किशोरपुरा में फंदा लगाकर किया सुसाइड। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोटा में एमबीएस अस्पताल के निविदा कर्मचारियों ने संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। पिछले दो साल से श्रम विभाग की ओर से लागू किया गया एरियर की राशि नहीं मिलने से नाराज है कर्मचारी। पहले भी कई बार कट चुके हैं आंदोलन। कोटा में सरकारी स्कूल की दीवार पर अजगर आने से मचा हड़कंप, लोगों में दहशत का माहौल। सूचना पर पहुंचे स्नैक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। विधायक अमीन कागजी की अनूठी पहल, करीब 250 महिलाओं और बालिकाओं से बंधवाई राखियां। कृष्णपुर विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं और बालिकाओं से बंधवाई राखियां।